दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। और आपको मैं बता दूं कि इस वही पीओ प्री का जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुका है, तो हमारे पास केवल 20 डेज बचे हुए हैं। अब इन 20 दिनों में हमें कैसे अपना जो है स्टार्ट करना है, क्योंकि ये एग्जाम जो है 8 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जो है अपना एडमिट कार्ड चेक कर लेना और बताना कि आपकी डेट कब है। और कुछ लोगों का एग्जाम जो है 8 के बाद भी होगा, तो अभी नियर अबाउट हमारे पास में 20 दिनों का टाइम है, और 20 दिनों में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, वो चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि ये 17/5/2019 से आपका कॉल लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ है, और 9/6/2019 तक ये होगा। ओके, तो आप लोग अपना कॉल लेटर अभी स्टार्टिंग में ही डाउनलोड कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका एग्जाम कहीं 8 जून को तो नहीं है। ओके, और मैं आपको बता दूं कि आप किस तरीके से हम लोग आगे प्रीलिम्स के लिए प्लान करने वाले हैं। तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सॉल्विंग प्रीवियस ईयर कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, हम लोग प्रीवियस ईयर का जो भी एक दो पेपर मिल जाएंगे उसमें जो भी DI आए हुए हैं, या फिर जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स आए हुए हैं, और साथ में अरिथमेटिक की प्रॉब्लम्स हैं, और क्वांटिटी बेस्ड कंपेयर है, डेटा सफिशेंसी है, मशीन इनपुट है, इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, और इनके ऊपर इनके आसपास में सेम लेवल रहते हुए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये फंड आपको इस चैनल पर मिलेगा। दूसरी चीज मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट है, इंपॉर्टेंट DIs है, LR है वेरियस सोर्सेज से, तो यही मैं कहूंगा, जैसे मैंने प्रैक्टिस मॉक के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, तो प्रैक्टिस मॉक का जो फ्री पेपर है, पहला जो टेस्ट फ्री है, आप इसको जाकर देखो, इसका लेवल चेक करो, बहुत सारे नए क्वेश्चन इनकी टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी। ओके, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको ये चीज पता चल चुकी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, और भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर आपको इस YouTube चैनल पर सॉल्व करके मैं बताऊंगा, उसमें स्पेशली क्या-क्या टॉपिक रखूंगा, एक तो DI और लॉजिकल रीजनिंग जो है वेरियस सोर्सेज से हमारे पास रहेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा पजल भी होगा और सिटिंग अरेंजमेंट भी होगा, और जो जो क्वेश्चन SBI पूछता है हम उनको कोशिश करेंगे कि डिकोड करें, और आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं। और तीसरा क्या है कि हमारा जो डेली SBI का जो पेपर सीरीज चल रहा है, SBI का, SBI के ऊपर जब हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, आप उनको देखो, उनसे आपको मदद मिलेगी। तो ये जो लास्ट तीन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आप ये मत सोचो कि मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप डायरेक्टली अगर इन वीडियोस को देखोगे तो आपको हर एक चीज़ मैंने बताई है, छोटी से छोटी चीज़ कि हमें, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैं परसेंटेज का, अगर कोई DI बता रहा हूं तो मैं परसेंटेज को वहीं पर क्लियर कर देता हूं। ये नहीं मैं कहता हूं कि आप प्रीवियस वीडियो में जाओ, देखो परसेंटेज का टॉपिक, फिर आप ये वीडियो देखने आओ। तो इसमें मैं यही कहता हूँ हमेशा कि आप यहाँ पर सीख सकते हो चीज़ें, तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को बनाओ। और देखो दोस्तों, ये जो 20 डेज नियर अबाउट आपके पास बचे हुए हैं, इनमें आप अपना प्लान ये सेट कर लो कि लगभग 20 सेट मुझे देने हैं स्पीड टेस्ट, और इनका मुझे 20 का एनालिसिस करना है। इससे आपको 100% बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप 20 टेस्ट दोगे तो देखो 20 × 100 इतने क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि अगर इतने सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली एक बार में बना रहे हो, ठीक है, तो आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। और आप स्लॉट अपने डिवाइड कर देना, जैसे अगर किसी भी टेस्ट को, सीधी सी बात है, कोई भी टेस्ट आप एनालाइज करो तो उसमें सेट तो बहुत सारे आएंगे, जैसे DI भी आएगा और आपका अरिथमेटिक वाला पोर्शन भी होगा, डेटा सफिशेंसी भी कहीं कहीं पर मिलेगा, कहीं पर Q1 Q2 मिलेगा। तो ऐसे ही आप जब 10-20 टेस्ट दोगे तो जैसे Q1 Q2 के आपने 15 सेट सॉल्व कर लिए, तो यार ये इनफ है। इनसे आपको एक पिक्चर माइंड में क्रिएट हो जाएगी कि मेरा अरिथमेटिक कहाँ पर कितना आता है, ताकि मैं इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट अब बना ले रहा हूँ। ठीक है, डेटा सफिशेंसी में भी इस तरीके का ध्यान रखना। ओके, और बाकी DI में कोशिश करना कि जो पैटर्न बेस्ड DI है, जैसे मैं केसलेट DI बहुत सारी कराता हूँ। ओके, इसके अलावा बार ग्राफ की DI आती हैं, पाई चार्ट के क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। आपको ही मेहनत करनी है, मैं आपके साथ प्रॉपर इन 20 डेज में रेगुलर वीडियोज अपलोड होंगे, मेहनत करूंगा, तो आप थोड़ा ध्यान देना इस यूट्यूब चैनल पर भी। और ये चीज़ और ध्यान रखना कि जो भी हो जाए, हमें डेली सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स और ये डेटा इंटरप्रिटेशन और अरिथमेटिक, इन सेट के क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि देखो ये दो चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं बहुत सारी चीज़ों से। अभी मैं यही कहूँगा कि अरिथमेटिक सेक्शन जो है ये आपका इंटरलिंक है बहुत सारी चीज़ों से। कैसे, DI भी इसी के ऊपर आती है, आप देखो Q1 Q2 क्वान्टिटी बेस्ड कंपेरिजन इसी के ऊपर आता है, डेटा सफिशेंसी इसी के ऊपर आता है, खुद के अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो यार 10 और 5 15 और 5 20,
लगभग 15-20 नंबर तो आपके यहीं से आते हैं। तो ये बेस क्या है, अरिथमेटिक वाला ही टॉपिक है। तो अरिथमेटिक के रेगुलर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आप बनाओ, प्रीवियस ईयर का आपका बीएससी के पास, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है बीएससी का आता है, तो आप उसके अरिथमेटिक के क्वेश्चन बनाओ। देखो अरिथमेटिक के क्वेश्चन पुराने नहीं हुए हैं। आप ये कहोगे कि आजकल एग्जाम चेंज हो गए, देखो एग्जाम तो चेंज हुए हैं, ठीक है, डायनेमिक नेचर हो चुका है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जो अरिथमेटिक का पोर्शन है वो आपका उसी पैटर्न पर है, ठीक है। अरिथमेटिक में परसेंटेज, SICI, वो क्वेश्चन अभी भी वही आते हैं, प्रॉफिट लॉस हो, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर की बुक से प्रैक्टिस कर लो। DI और पजल्स के नेचर जरूर चेंज हुए हैं, काफी कुछ चेंज हुआ है, लेकिन अरिथमेटिक वाला सेक्शन आप बनाओ, ओके। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और एक चीज और बता दूं कि आप currentaffairsfunder.com इस पोर्टल पर जब हमारे जाओगे, जो हमारी वेबसाइट है currentaffairsfunder.com, तो यहां पर एक सेक्शन बना हुआ है SBI PO क्लर्क वीडियोस, ठीक है। तो इसमें हमने डे 1, डे 2, क्वांट और रीजनिंग के दो दो वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, और साथ में जो हमने मॉक सॉल्व करे हैं उसके क्वेश्चंस भी यहां पर हैं, ठीक है। तो नियर अबाउट अभी 16-20 वीडियोस इसमें हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 25 वीडियो लगभग और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो ये 45 वीडियो का एक कोर्स हो जाएगा। ये आपको बहुत मदद करने वाला है। इसमें जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स हम सॉल्व कर रहे हैं, आप उनको अच्छे से देखना, DI को देखना, बहुत मदद मिलने वाली है आपको, ये श्योर है, ओके। और बाकी प्रैक्टिस साथ में करते रहो। तो पहले जो प्रैक्टिस मौका, ये पहला पेपर है, अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो आप जाएं और इसको जाकर अटेम्प्ट करें, ठीक है। SBI PO प्रीलिम्स फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये ऑलरेडी लाइव बहुत टाइम से हो चुका है, तो आपको पता लगेगा क्या चल रहा है सीन। और बाकी सारे टेस्ट जो है इनके एक्टिव हैं, लगभग यहाँ पर 20 प्री के सेट हैं यहाँ पर, ठीक है, और 10 मेंस हैं। तो नियर अबाउट हर एक टेस्ट सीरीज का यही पैटर्न रहता है। तो आप एक बार जाओ और इनके ऊपर थोड़ा वर्क करो, दो, ठीक है, और मल्टीपल टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व रहो। जैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ही टेस्ट सीरीज के आप भरोसे रहो, 2-3 फ्रेंड सर्किल में आप लोग शेयर कर सकते हो थोड़ा कंटेंट, ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा, ओके। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और प्रॉपरली डेली क्लासेस आपकी आती रहेंगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है आपको, उसको फॉलो कर लो, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, शेयर करना, और अपनी डेट बताना कि किस डेट को आपका जो है एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, ओके। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, थैंक यू, हैव अ गुड डे।